हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल एसडी फोकस। आज का वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.4 का गणित पढ़ने वाले हैं। आज दो नंबर से पढ़ेंगे, एक नंबर का इससे पिछले वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाता है, आ जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पे रख दीजिए। एक मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू गुना, एक मान क्या है, एक्स स्क्वायर गुना बी क्या है, वाई स्क्वायर प्लस बी क्या है, फिर वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर सॉल्व कीजिए। तो एक्स पावर कितना होगा, चार, दो दुना चार हो जाएगा, प्लस देखिए दो दो ही रह जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम रखते हैं इसको, प्लस वाई का फोर पावर फोर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। दो का बी नंबर देखिए सरल करना है, जैसे दो टर्म है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए। देखिए ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर माइनस टू ए, ये कितना है, थ्री ए, बी कितना है, पांच बी, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, पांच बी का स्क्वायर माइनस, अब देखिए थ्री ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पांच बी का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितना, नौ, एक स्क्वायर ए ए स्क्वायर माइनस, तीन दुना छः, छः पंच तीस ए बी माइनस, कितना हो गया, यहाँ प्लस न हो, यहाँ प्लस प्लस पांच पच्चीस बी स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए तीन थिया नौ ए स्क्वायर प्लस तीन दुना छः, छः पंच तीस ए बी प्लस पच्चीस बी स्क्वायर, देखिए नौ ए स्क्वायर माइनस तीस ए बी प्लस पच्चीस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस नौ ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तीस ए बी प्लस माइनस माइनस पच्चीस बी स्क्वायर, अब जो घटेगा घटा दीजिए, नौ ए प्लस में है ए स्क्वायर, नौ ए स्क्वायर माइनस में है तो कट जाएगा, अब ये पच्चीस बी स्क्वायर या पच्चीस बी स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएगा, बचा क्या है, माइनस तीस ए बी या माइनस तीस ए बी कितना होगा, माइनस साठ ए बी, यही आपका आंसर हो गया। दो का सी नंबर देखिए, देखिए दो टर्म है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का हल स्क्वायर बराबर तोड़ दीजिए इसमें, ए प्लस बी का हल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पर तोड़ दीजिए इसको, देखिए ये कितना है, ये है एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस दो गुना, ये कितना है एक्स वाई जेड गुना बी कितना है, एक्स वाई प्लस बी कितना, फिर एक्स वाई का स्क्वायर, ये इतना है, इसको इतना ही लिखने दीजिए, दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब पे पावर है तो एक्स पर पावर, वाई पर पावर और जेड पर पावर, हो गया, पावर दो है सब पे, प्लस इसको गुना कीजिए, दो एक्स को एस से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर, वाई से वाई से कीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देखिए टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, अब जो कटेगा उसको काट दीजिए,
देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, प्लस माइनस कट गया, बस ये कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है प्लस क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। दो का डी नंबर देखिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये भी ए और बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ना, ये इतना लिखा हुआ ये दो टर्म में, तो हम इसको इतना लिख देंगे, ये कितना है टू एक्स बाय फाइव का स्क्वायर माइनस बी कितना है थ्री वाई बाय फोर का स्क्वायर, गुना कीजिए दो दुनी चार एक्स स्क्वायर पांच पच्चीस माइनस तीन तीन नौ वाई स्क्वायर चार चौके सोलह, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पर रख दिया। दो का ई नंबर देखिए, देखिए किस फॉर्मूले को है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पर रख दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी ये है एक बटा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर रख दीजिए इसको, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का पावर है तो कितना हो ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए ए कैंसिल दो आई प्लस ए का स्क्वायर ए एक होता ए स्क्वायर प्लस दो दुने चार ए स्क्वायर माइनस ए ए कैंसिल दो दुना चार चार किया बारह बारह प्लस तीन किया नौ ए स्क्वायर, अब देखिए एक ए स्क्वायर और चार एक स्क्वायर पांच ए स्क्वायर प्लस देखिए नौ और इसको जोड़िएगा तो एक को दस ए स्क्वायर, अब देखिए बारह माइनस में प्लस दो है कितना बच गया दस, अब देखिए पांच इसमें भी है पांच इसमें पांच इसमें पांच कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस पांच में दस ए स्क्वायर माइनस पांच में दस, यही वाका ये आपका आंसर हो गया। दो का एफ नंबर देखते हैं, देखिए ये कौन सा फॉर्मूले पा जाता है, देखिए इसको पूरा ए मान लीजिए इसको पूरा को बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर तो आ गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी बी है और ए माइनस बी, इसी का हम लोग रख देते हैं, देखिए ए ए है ए एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस बी कितना है एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसको बड़ी से कोष्ट में रख दीजिए, ये कितना है एक्स प्लस वन बाय एक्स, अब देखिए बी कितना है एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये जो कटता है काट दीजिए घट जाते माइनस में ये है प्लस में है बस क्या करना है एक दो दो एक्स, इसमें देखिए एक्स प्लस वन बाय एक्स तोड़िए प्लस माइनस 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 प्लस वन बाय एक्स इतना हो गया, अब देखिए इसमें जो कटता है काट दीजिए ये प्लस ये माइनस कट गया बच गया इसमें क्या बच गया क्या इतना बच गया वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसको जोड़िएगा था दो बटा एक्स हो जाएगा, अब ये एक्स और ये एक्स कट गया तब कितना गया दो दुनी चार, आपका यही आंसर हो गया।